हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएवी की क्लास 7 वर्कशीट 4। मैं आपको चैप्टर 11 का बताऊंगी। ये पार्ट 4 ये हमारा जो बन रहा है, ये चैप्टर 11 का ये पार्ट 4 है। तीन पार्ट मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में, मैं इसे आपको बताऊँगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इफ़ इट्स एल्टीट्यूड इज 17.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ रोम्बस। कह रहा है कि एक रोम्बस है, इसमें गिवन है। देखिए सॉल्यूशन पर हम आते हैं अपने। गिवन पहले लिख देंगे, गिवन क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस इज, तो ये दिया है एरिया ऑफ रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ इट्स एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड इसका दिया है एल्टीट्यूड इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। निकालना है कि ईच साइड ऑफ रोम्बस, लेंथ निकालना है, प्रत्येक साइड का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए हम लिख देंगे कि लेंथ हमें फाइंड करना है। तो चूँकि रोम्बस की बात हो रही है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको बताया था, बस इसमें आपको मान को फिल कर देना है। देखिए यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसके एरिया ऑफ रोम्बस के नीचे हम लिख देंगे 220.5 इक्वल टू बेस हमें यानी कि लेंथ, लेंथ हमें फाइंड करना है। इसको यहाँ हम लिख देते हैं लेंथ, ये हमें फाइंड करना है, इनटू एल्टीट्यूड हमारा है 17.5। हमें लेंथ निकालना है तो इसको इस साइड लाना होगा। देखिए लेंथ हमें फाइंड करना है तो हमको 17.5 को इस साइड लाते समय, इसको मल्टीपल में है तो ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो इसमें पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट के पीछे देखिए एक अंक है, इसमें से ये पॉइंट हट गया। अब इसको हम करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 2 बचा, ये हो गया कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25। उसके बाद इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, फिर 2 0 20 ये हुआ, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब इसको 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, फिर 40, 5 8 जा 40, ये पूरा हो गया। यहाँ पे एक वो भी बच रहा है देखिए शेष, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 10, 5 2 जा 10। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, ये नीचे का ख़त्म हो गया देखिए एकदम, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, कितना बचा 14 करेंगे तो 18 में से 14 हटा देंगे, लेस कर देंगे तो कितना आएगा 4 4 और 2 मिलके हो जाएगा 42, तो 7 6 जा होता है 42। ये हमारा आ गया लेंथ कितना आया है 12.6। सो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। इसमें क्या करना था, इसमें देखिए सिर्फ रोम्बस का एरिया ऑफ द रोम्बस हमको लिखना था और बेस इनटू एल्टीट्यूड कर देना है। रोम्बस का हमको एरिया दिया गया था 22.5 एंड लेंथ इनटू ये एल्टीट्यूड हमें दिया था 17.5। हमने लेंथ निकाल लिया, लेंथ जब हम निकालेंगे तो ये 220.5 को डिवाइड कर देंगे 17.5 से, तो डिवाइड करने पे हमारा लेंथ कितना आ गया 12.6 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ रोम्बस इज 12.6 सेंटीमीटर। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर्स टू इट्स फॉर्म द अपोजिट कॉर्नर्स आर 8 मीटर्स एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। ये फिगर आपको दिया है 11.15 का, इसमें ये बताए हैं
की डायगोनल्स इसके एक दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल ये डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल ये पार्ट है। डायगोनल 40 मीटर दिया गया है और डायगोनल से प्रत्येक कॉर्नर से लंब जो खींचा है यानी परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी माप दी गई है 8 मीटर और 10 मीटर। ये आपको डायग्राम में इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब हमको फाइंड करना है द एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है। सो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें एरिया को फाइंड करना है। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 40 मीटर का और परपेंडिकुलर लेंथ दी गई हैं कितनी, 8 मीटर की और 10 मीटर की। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 इंटू ए सी, ए सी ये आपकी जो है ये डायगोनल्स हैं, ए सी क्या है हमारा, ये डायगोनल डायग्राम में है। तो यहाँ पर होता है कि 1/2 इंटू ए सी डायगोनल और उसके बाद इंटू डी एल प्लस बी एन। डी एल क्या हमारा, जो इस पे परपेंडिकुलर लाइंस है, डी एल और प्लस ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा डी एल प्लस बी एन। अब इस पे हम मान को अपने पुट करते हैं तो 12 1/2 इंटू ए सी हमारा कितना है 40, हम लिख देंगे 40 इंटू डी एल कितना है, ये दिया गया है हमको 8 मीटर और उसके बाद फिर दूसरा हमारा बी एन कितना है, ये 10 को रखते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 से हम 40 को यहीं डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 0 20 आया, हम लिखते हैं 20। और जब ब्रैकेट को खोला जाता है तो यहाँ पर इनटू आता है यानी मल्टीपल किया जाता है, 8 और 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब दोनों को ज़ीरो से ज़ीरो को हम पहले एक उतार लेते हैं यहीं पर, 2 से हम 18 2 जा 36 होता है। ओके ये हमारा आ गया कितना, एरिया इसका क्वाड्रिलेटरल का 360 मीटर का स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना आया, 360 मीटर का स्क्वायर। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 15.2 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये फिगर दिया गया है आपको बुक में और फिगर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमको डायगोनल्स इसके दिए गए हैं। ये हमारा है रोम्बस डायग्राम और इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक ये हो गया और एक ये, एक की लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर और सेकंड वाले की लेंथ दी गई है 15.2 सेंटीमीटर। और क्या हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। बिल्कुल आसान सा है, आप एरिया ऑफ रोम्बस जब डायगोनल वाला, अगर हमको डायगोनल के मान दिए गए हों तो इसमें क्या क्या गिवन है, पहले हम ये फाइंड लिखते हैं यहाँ पर कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कितने हैं, D1 और D2। इसको हम डायगोनल को D1 और D2 हम मान लेंगे कि दो डायगोनल होते हैं ना, तो D1 और D2। D1 हमको 15.2 सेंटीमीटर, ये हमारा सॉल्यूशन है। देखो सॉल्व करते समय पहले हम इसको लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड हैं, तो गिवन है क्या क्या चीज़ें हमें। तो रोम्बस की डायगोनल्स दिए गए हैं D1 15.2 सेंटीमीटर और D2 दिया है 24 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बिल्कुल ईजी सा है, इसमें आप मान को पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। D1 हमारा कितना है 15.2 सेंटीमीटर और इंटू D2 दिया है 24 सेंटीमीटर। 2 से हम 24 को डिवाइड कर देते हैं, इजली डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब जो बचता है इसको मल्टीपल कर लीजिए 15.2 इंटू 12 से 15.2 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 12 2 जा 24 होता है, 24 का हम लिखेंगे 4, कैरी हमारा आया 2, उसके बाद 12 5 जो होता है 16 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 62 का 2 लिखेंगे
और कैरी हमारा आया 6, उसके बाद फिर 12 वन जा 12 में 6 जो ऐड कर देंगे तो आएगा 18, यानी 182। और दशमलव के बगल देखिए, पॉइंट के बगल एक अंक है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे एक अंक के पहले, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 182.4 क्या आएगा, 0.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 182.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों, या आपका ये जो हमारा ये इलेवन चैप्टर का वर्कशीट 4 ये कंप्लीट होता है हमारी 4th वीडियो में। अगर आपको इसकी और, मान लीजिए आप ये हमारे पहली वीडियो देख रहे हों, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो और क्वेश्चन को देखने के लिए और पार्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी जितनी भी वीडियोज़ बनी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन उसमें कराया है हमने, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।